पूर्व पार्षद सतीश गर्ग व सविता गर्ग कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। सेक्टर 13 से लगातार 3 बार पार्षद रह चुके सतीश गर्ग व सविता गर्ग फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज कांग्रेस भवन में अपने समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन किया। सतीश गर्ग ने कहा कि जो प्रेम उन्हें कांग्रेस में मिला है वह कहीं नहीं मिल सकता। इसी के चलते वे दोबारा से घर वापसी करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है। जैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा पहुंचेगी तो यह आंधी तूफान में बदल जाएगी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज प्रदेश के हालात बहुत खराब हो चले हैं और हर वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं। किसान सरकार की मार से परेशान है, व्यापारी भी सरकार की नीतियों से परेशान है और मजदूर व कर्मचारी वर्ग अपने हित कांग्रेस में सुरक्षित देखता है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पूर्व पार्षद सतीश गर्ग का कांग्रेस में स्वागत करते हुए कहा सतीश व सविता गर्ग उनके पुराने साथी हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर फिर से कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कांग्रेस में वे उनका स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी द्वारा संसद में किए गए सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि सांसद नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय डिजाइन इंस्टीट्यूट के अंदर से रास्ता देने की मांग को संसद में उठाया है। जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा कि आखिर किस लिए इस रास्ते को देने की मांग संसद में उठाई गई तो पाया कि एनआईडी के पीछे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा कॉलोनी काटी जानी है और मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर के लिए संसद में एनआईडी से रास्ता देने की बात को उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सांसद को संसद में सवाल उठाना था तो सहारनपुर से कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन का उठाना था, जो कि यहां के लोगों की बहुत पुरानी समय की मांग है। कुरुक्षेत्र के बाईपास बनाने की मांग का सवाल उठाना चाहिए था, जिस कारण कुरुक्षेत्र के वासी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सांसद तो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए ही संसद में सवाल उठाते हैं। इस मौके पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा, पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी, मन्नू जैन, विवेक मेहता विक्की, अमित गर्ग शैंकी, गौरव शर्मा गोरी, एडवोकेट कृष्ण कुमार गुप्ता, जिला पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र सैनी भिवानी खेड़ा, सुभाष पाली, जोगिंदर सिंह व सतीश गर्ग को कांग्रेस में पुनः ज्वाइन कराने में अहम योगदान देने वाले राधेश्याम गर्ग, सौरभ गर्ग व अभिषेक गर्ग व अन्य सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। आज हमारे साथी पूर्व पार्षद सतीश गर्ग और इनकी धर्मपत्नी, जो वो भी पूर्व पार्षद है सविता गर्ग, आज कांग्रेस में शामिल हुआ है। इनका स्वागत है। ये शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए साथी था। परिस्थितियों की वजह से कहीं दूसरी पार्टी में चले गए थे, परंतु इनका मन कांग्रेस में था। जब भी मुझे मिलते थे वो कहते थे हम आपके साथ हैं। आज विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाला जो हमारा नगर परिषद का चुनाव है निश्चित रूप से हम यहाँ पर जीतेंगे। कुछ और नेता भी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले जल्दी? बहुत लोग हैं जो इस प्रशासन से दुखी हैं, सरकार से दुखी हैं। आज भ्रष्टाचार की इंतहा हुई है, महंगाई की, बेरोजगारी की, नशे की, तो लोग बदलाव चाहते हैं। विकल्प जो है कांग्रेस पार्टी है। कुरुक्षेत्र के अंदर तो भ्रष्टाचार इतना है, मुझे हैरानी होती है कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनप्रतिनिधि लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में जो सरकार होती है वो लोग बनाते हैं और लोगों के लिए होती है। यही जनप्रतिनिधि का होता है, कोई माँ के पेट से नहीं पैदा होता, इन्हें लोग बनाते हैं। लोगों की समस्या उठाना चाहे पार्लियामेंट की बात हो चाहे विधानसभा की, उनका फर्ज है। परंतु मैं पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर हमारे यहाँ के सांसद की डिबेट देख रहा था, जो ये कह रहा था कि एनआईडी के अंदर से रास्ता दिया जाए, पीछे जो लोग हैं उनको दिक्कत होती है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने जाके वहाँ देखा भी कौन से लोग रहते हैं वहाँ। एक डेरा है बाजीगर वहाँ, जिनका शौर्य था कि मैं अपने पूरे परिवार को छोड़कर चले गया हूँ। मैंने फिर अपने आदरणीय पूरे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी व कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथियों के आशीर्वाद से मैंने फिर अपनी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब मेरे को यह महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर में आ चुका हूँ, परंतु पहले तो मेरे को यह ऐसा महसूस होता था कि मैं जो आम आदमी पार्टी में चले गया हूँ, तो मेरे को यह छोड़ समझ रहा था कि मैं अपने परिवार को कहीं अपने परिवार से पिछड़ चुका हूँ। तो परंतु मैंने आज अपनी कांग्रेस पार्टी में पूरे दोबारा फिर आस्था दिखाते हुए, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी को आस्था दिखाते हुए मैंने अपनी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर दिया। मैं अशोक अरोड़ा जी का और सभी भाइयों का, वरिष्ठ कांग्रेस के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।